Good morning, my dear students. Welcome back again for today's lecture. This lecture is for class 5, subject English reader, chapter number 5, poem, term 3 book of essays. It is lecture number 1 and today's topic is Alitalifoni. Alitalifoni is the name of a poem, beta. And today I am going to explain the whole lesson. Okay, so be ready. Alitalifoni is not a means new word for you. It's a very humorous word. Humorous word means is a very amusing word. जिसमें आपको थोड़ी हंसी भी आएगी. Why this name has been given to this poem and what the reason behind it? This we shall read in this lesson. First of all, we should know the content of the lesson. Contents of today's lesson: explanation of poem in Hindi. Although this poem is not required any Hindi explanation, but I will explain surely in Hindi also. Word meaning, question answer, you know very well this thing we also discuss in lecture, and it will be followed means last it will be ended with homework also. Okay, you will get your homework in this lecture also. This is the poem Alitalifoni. Alitalifoni is a mixture of elephant telephone. Okay, that is why it is combined as Alitalifoni. It is not any specific word whose which meaning you don't know, beta. Ye koi specific word nahi hai. It is the combination of elephant plus telephone, and the poet and the poetess made it Alitalifoni. Okay, only to make you laugh. To me hasane ke liye Alitalifoni kar diya. Otherwise, this is a humorous poem. Humorous poem matlab amusing. ये एंटरटेनिंग की पोएम है, इसमें मनोरंजन है. ये कोई सीरियस पोएम नहीं है जिसके हमें ध्यान देने की जरूरत है इसमें ज्यादा. ये सिर्फ हमारे हमें हंसाने के लिए है. ओके, ओनली फॉर गीगल, गीगल करने के लिए. लेट्स गेट गोइंग. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज गिवन हियर. लेट्स गेट गोइंग. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थिंग इज गिवन. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आंसर द फॉलोइंग रीडल्स. रीडल्स मीन्स पहेलियां. ओके, सो विल स्टार्ट विद फर्स्ट. से माई नेम एंड आई डिसअपियर. व्हाट एम आई. मेरा नाम बोलो और मैं डिसअपीयर हो जाती हूँ. व्हाट एम आई. मैं कौन सी चीज हूँ बताओ. कि आप जब मेरा नाम बोलते हो तो मैं डिसअपीयर हो जाती हूँ. तो मैं क्या हूँ. आई एम साइलेंस. साइलेंस मतलब चुप्पी. जब आप उसका नाम लेते हो साइलेंस तो आप चुप हो जाते हो, वो डिसअपीयर हो जाती है. व्हाट गेट्स वेटर एज इट ड्राई. जो पहले सूखा होता है लेकिन बाद में जल्दी जल्दी गीला होता रहता है. व्हाट गेट्स वेटर. वो गीला होता रहता है, होते रहते हैं. पहले ड्राई होता है फिर वो गीला होते रहता है, होते रहता है. व्हाट इज इट. इट इज टावल. आप टावल यूज करते हो, पहले वो सूखी होती है उसके बाद आप गीला करते रहते हो फिर और गीली होती रहती है. व्हाट क्वेश्चन कैन यू नेवर ऑनेस्टली आंसर यस टू. ऐसा कौन सा क्वेश्चन इसका आप कभी भी ऑनेस्टली आंसर नहीं देते हो. इट इज आर यू अस्लीप. क्या तुम सोए हुए हो. तो उसका आप आंसर कभी भी सही नहीं देते हो. आर यू अस्लीप. ASLEEP. क्वेश्चन मार्क. ओके, फीड मी एंड आई लीव. गिव मी ड्रिंक आई डाई. व्हाट एम आई. अगर मुझे आप खिलाते रहते हो तो मैं जीते रहता हूं, अगर आप मुझे पानी देते हो तो मैं मर जाता हूं. व्हाट इज दिस. इट इज फायर. ये है आग. एफ आई आर ई फायर. नाउ दीज टू वी विल डू योर सेल्फ. ये दो आप अपने आप करोगे. द मोर यू टेक द मोर यू लीव बिहाइंड. I am lighter than air, but a million men can't lift me. What am I? So these two riddles you will solve yourself. Recite and rejoice. Let's start the poem now. Before starting the poem, we should know some new words are given here. First of all, we should know the meaning of these words. So let's start word meaning. First word meaning is entangled. E N T A N G L E D. Entangled means ट्विस्टेड इन समथिंग. किसी में फंस गया तो यू विल राइट फंस गया. फंस गया या फिर मतलब उसका ट्विस्ट हो गया. मतलब कि एंटेंगल्ड इज फंस गया या फिर मुड़ गया. वी कैन से बज्ड. बी यू डबल जेड ई डी. बज्ड इज धीमी धीमी आवाज में बजना. मेरा कॉन्टिन्यूस लो साउंड. धीमी धीमी आवाज. ओके, धीमी धीमी आवाज. बर्स्ट इज मेड अ कॉन्टिन्यूस लो साउंड. मतलब धीमी धीमी आवाज बजना. आवाज में बजना. दैट इज बर्स्ट. ओके,
धीमे धीमे आवाज में बजना. ओके ओनली टू वर्ड मीनिंग्स आर हियर. बर्स्ट धीमे धीमे आवाज में बजना. एंटेंगल्ड इज फंस गया. लेट्स स्टार्ट द लेसन. वंस देयर वॉज एन एलिफेंट. एक बार एक एलिफेंट था. हु ट्राइज वंस देयर वॉज एन एलिफेंट हु ट्राइज टू यूज द टेलीफेंट. हाँ वट इज दिस एलिफेंट टेलीफेंट. नो आई मीन एन एलिफोन. हु ट्राई टू यूज द टेलीफोन. वट इज दिस. इट्स अ ह्यूमरस पोएम एक्चुअली. इट्स अ ह्यूमरस पोएम. यू कैन से टेलीफेंट एलिफेंट टेलीफोन एलिफोन टेलीफोन. सो इट्स अ ह्यूमरस पोएम. ह्यूमरस मीन्स अम्यूजिंग पोएम. यू कैन से अम्यूजिंग और ह्यूमरस मीन्स एंटरटेनिंग पोएम. जिसमें थोड़ा एंटरटेनमेंट हो रहा है, थोड़ा हंसी मजाक हो रहा है. कि एक बार एक एलिफेंट था जो क्या कर रहा था बेटा. टेलीफेंट हु ट्राई टू यूज द टेलीफेंट. टेलीफेंट नहीं है यहाँ. इसका मतलब यहाँ पे टेलीफोन वो यूज कर रहा था. हियर द पोइटेस मीन्स लॉरा एलिजाबेथ रिचर्ड्स स्टार्ट आउट द स्टोरी स्ट्रांगली. बट एज सून एज द एलिफेंट ट्राइज टू यूज द टेलीफोन ओके दे स्टार्ट्स टू गेट कन्फ्यूज. देयर इज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन हियर बिकॉज द एलिफेंट इज यूजिंग हियर टेलीफोन. ओके सो इन प्लेस ऑफ टेलीफोन इट्स इज टेलीफेंट. सो इट्स अ मीन्स अम्यूजिंग और द स्पीकर वॉन्ट्स टू एंटरटेन यू और टू मेक यू लाफ. तो आपको वहाँ हंसी मजाक करने के लिए बताया गया है कि एक बार एक एलिफेंट था वो क्या यूज करता. टेलीफेंट मतलब टेलीफोन यूज करता. नो नहीं मेरा मतलब है एलिफोन. एलिफोन वट इज एलिफोन. एलिफोन क्या हो गया. उसने फिर कन्फ्यूजन कर दी. कन्फ्यूज क्रिएट कर दी. हु ट्राई टू यूज टेलीफोन मीन्स एलिफेंट ट्राई टू यूज द टेलीफोन. डियर मी वो अपने आप से बोलता है स्पीकर कि मैं अपने आप खुद से बोल रहा हूँ. आई एम नॉट सर्टेन क्वाइट क्योंकि मतलब मैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. मैं सब कुछ कन्फ्यूजन में हो चुका है. कुछ भी अब ठीक नहीं है मेरे साथ में. दैट इवन नाउ आई हैव गॉट इट राइट कि मुझे पता है कि मुझे क्या बोलना है लेकिन मैं उसको कन्फ्यूजन में डाल रहा हूँ. ओनली टू मेक यू लाफ. हाउ एवर इट वॉज ही गॉट इज ट्रंक. कि फिर भी उसने क्या करा. उसने उसकी ट्रंक को देखा. ट्रंक मतलब उसकी सूंड को देखा. एंटेंगल इन द टेलीफोन. अब क्या हो गया वो जो उसकी सूंड थी वो इसमें एंटेंगल होगी. इसने टेलीफोन लिया उसमें वो एंटेंगल होगी मतलब फंस गई. अब टेलीफोन यहाँ पे टेलीफोन का मतलब है ट्रंक. कि उसकी ट्रंक में वो क्या हो गई बेटा एंटेंगल हो गई फंस गई. ओके अब वो ट्रंक की बात करें. ट्रंक यहाँ पे भी उसको ट्रंक यूज करना था. उसने फिर टेलीफोन यूज कर दिया कि एलिफेंट की ट्रंक में वो इंटेंगल्ड हो गई तो वो टेलीफंक बन गया. इट्स अगेन अ कंफ्यूजिंग वर्ड हियर. द मोर इट ट्राई टू गेट इट फ्री द लाउडर बर्स्ड द टेलीफी. मीन्स वो जितना ज्यादा अपने आप को इससे निकालने की कोशिश कर रहा था द लाउडर बर्स्ड द टेलीफी उतना ही लाउडर क्या होता है. टेलीफी का मतलब यहाँ पे टेलीफोन है. मीन्स ही द स्पीकर इज नॉट क्रिएटिंग कंफ्यूजन हर सेल्फ. ओके नॉट डेलिबरेटली जानबूझ के नहीं. सॉरी वो यहाँ पर जो ये कन्फ्यूजिंग वर्ड्स है वो इसलिए यूज कर वो डेलिबरेटली यूज कर रही है यहाँ पर जानबूझ कर यूज कर रही है. दो शी इज नॉट इन सच डिलेमा और वी कैन से इन सच कन्फ्यूजन. इस कन्फ्यूजन में नहीं है वो बिल्कुल भी. लेकिन आपको सिर्फ हंसाने के लिए वो क्या कर रही है इस वर्ड्स को मिक्सअप कर रही है कन्फ्यूज कर रही है आपके साथ में. तो बोलते जितना वो अपने आप को फ्री करने की कोशिश करता है इससे मतलब इस लैंडलाइन वाले फोन से उतना ही वहां पे साउंड बजती है टेलीफोन की. यहाँ पे टेलीफी का मतलब टेलीफोन की. आई फील आई वुड बेटर ड्रॉप द सॉन्ग ऑफ एलिफो एंड टेलीफोन. तो उसने कहा चलो मैं छोड़ देता हूँ इस सॉन्ग का गाना एलिफेंट और टेलीफोन एलिफो एलिहोप टेलीफोन. फिर दोबारा वो मिक्सअप कर देती है वर्ड्स को. तो दिस इज काइंड ऑफ अम्यूजिंग पोएम. ये सिर्फ हंसी मजाक के लिए पोएम है. इसको सीरियस नहीं लेना है आपको. ये कोई भी इसमें कोई इसका मीनिंग नहीं है. इट्स अ मीनिंगलेस पोएम. इट्स अ अम्यूजिंग और यू कैन से ह्यूमरस पोएम ओनली. इट वॉज रिटन बाय लॉरा एलिजाबेथ रिचर्ड. यहाँ पे वो थोड़ी मजाक के मूड में है. वो थोड़ी खुश थी उस टाइम पे इसलिए उन्होंने ऐसी पोएम लिख दी जिसमें कि वर्ड्स क्या है. वर्ड्स गॉट कन्फ्यूज. ओके एलिफेंट टेलीफोन टेलीफेंट बन गया. ओके तो दिस इज अ काइंड ऑफ अम्यूजिंग पोएम. नाउ शो व्हाट यू नो. रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन. अब हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है बेटा. हाउएवर इट वाज ही गॉट हिज ट्रंक एंटेंगल्ड इन द टेलीफोन. हु इज ही इन द अबव लाइंस. पोइटस टेलीफोन एंड एलिफेंट. हाउएवर इट वाज ही गॉट हिज ट्रंक एंटेंगल्ड इन द टेलीफोन. तो ही कौन है यहाँ पे. पोइटस है टेलीफोन है एलिफेंट है. ऑब्वियस इट इज एलिफेंट.
यू विल टेक ऑन एलिफेंट. वेयर डिड द ट्रंक गेट इंटेंगल्ड? ट्रंक कहाँ पे इंटेंगल होगी, इसमें फंस गई. टेलीफोन में, टेलीफंक में, टेलीफी में. टेलीफोन में फंसी, टेलीफंक में फंसी, टेलीफी में फंसी उसकी जो ट्रंक थी. सो करेक्ट आंसर इज टेलीफंक, मतलब कि जो उसकी जो वायर थी उसमें फंस गई थी उसकी क्या ट्रंक. I fear I would better drop the song of elephant and telephone. What does the poet mean by saying elephant, elihop, elephant, elephant, or telephone? So he is trying to say here. So he is trying to saying here elihop means elephant. Okay. What type of a poem is this? Funny, serious, or based on nature? It's a funny poem, beta. As it name, as you can see here, the words got confused. That's why it's a funny poem. Now answer these questions, answer the following questions. What confusion did the poet have? The poet have a confusion of elephant and telephone. So answer number one is the poet, okay, the poet got confused. The poet got confused when he tried when he tried to describe an elephant using telephone. तो जब वो कैसे कंफ्यूज हो गया, जब वो ट्राई कर रहा था डिस्क्राइब करने के लिए एलिफेंट को using telephone. So he got confused or she got confused. Okay. Question number two. Who was trying to use the telephone? Telephone use karne ka try kaun kar raha tha? Answer number two is the elephant was trying trying. The elephant was trying to use. I also got confused. The elephant was trying to use telephone. Okay. Telephone. That's why the poetess was also confused between those words. Elephant, telephone. So these are confusing words. Okay, beta. What happened to him when he tried to use the telephone? उसके बाद क्या हुआ जब उसने When he tried to use the telephone, जब उसने टेलीफोन को ट्राई करा यूज करने के लिए. सो आंसर नंबर थ्री इज द एलिफेंट गॉट हिज ट्रंक got his trunk entangled in the telephone. Really these words are really confusing. These words such mein confusing hai beta. Next question is why did the telephone buzz louder? Telephone kyun jyada tez baja tha? So answer number 4 is The elephant tried to get his trunk free from the entangled telephone okay the elephant tried to get his trunk free from the entangled telephone and it buzzed louder कि वो अपने ट्राई कर रहा था अपनी ट्रंक को फ्री करने के लिए एंटेंगल टेलीफोन से और वो बहुत तेज बजने लगा फोन.
लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द वे द पॉइट व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द वे द पॉइट यूज सर्टेन वर्ड्स सो व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द वे About the way the poet used certain words. So we have to tell the way also. Answer number 5 is beta. So here the poet creates complete confusion by the poet creates C-R-E-A-T-E-S creates complete C-O-M-P-L-E-T-E complete confusion by entangling his words just like The elephant had entangled his trunk in the टेलीफोन सो उसने कंफ्यूजन कैसे क्रिएट करी थी बाय क्रिएटिंग अ कंप्लीट कंफ्यूजन बाय इंटेंगलिंग हिज वर्ड्स इंटेंगल कैसे कहते उसने वर्ड्स को जैसे कि उसने बोला एलिफेंट हैड इंटेंगल्ड हिज ट्रंक इन द टेलीफेंट ओके तो यहाँ पे टेलीफेंट नहीं बोलना था उसको टेलीफोन बोलना था सो इन दिस वे ही क्रिएटेड कंफ्यूजन नाउ थिंकिंग कैप्स ऑन बेटा व्हाइल टॉकिंग टू समबडी ऑन द फोन वी मस्ट फॉलो सम रूल्स ऑफ good behavior can you write down some so if you're talking on a phone okay then you must follow some good behavior rules okay rules of some good behavior can you write down some so suppose if you're talking to me if you're talking to your teacher also then what behavior you must follow so you can write down in your notebook means there are kinds of a good behavior you can write in your notebook okay now come on word smart read and understand the formation of the following words Comcast is communication plus broadcast. It became Comcast. Cinemax is cinema plus maximum. Wikipedia is wiki plus encyclopedia. Each of these words is a combination of two or more words in one new word. These are called portmanteau words. Okay, इनको हम portmanteau words बोलते हैं जो combination से बनते हैं. जैसे Comcast किस किस से बना है? Communication plus broadcast. उसमें communication और broadcast दोनों word को add होके वो Comcast बना. In this way, in the similar way, Cinemax and Wikipedia also. Made. Now we have to see down. Now we have to supply these words here also. Supply the missing words here. Blog. Blog was made by web plus. I think it's login. Okay. Then it became blog. It's a quite difficult or log in. When we join these two words web plus login it becomes blog तो blog बन जाता है क्योंकि blog में हमें क्या चाहिए होता है आपको पता है वैसे भी कि उसमें web करना होता है और हमें login करना होता है तब हमारा blog बनता है brunch is made by breakfast plus lunch then it became brunch desk कैमरा प्लस रिकॉर्डर तो बनता है कैम रिकॉर्डर कैम कॉर्डर दीज आर द मीन्स वेरी मीन्स डिफिकल्ट वर्ड्स ओके बेटा ये थोड़ा आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम करेंगे बट हमको इनको पोर्टमैंटू बोलते हैं पोर्टमैंटू वर्ड्स फैंटाबुलस इट्स फैंटास्टिक और फैबुलस ओके हाई टेक हाई प्लस टेक्नोलॉजी कुछ वर्ड्स तो आपको सही लगेंगे कि हाँ ये ठीक है इसके लिए नेचुरल हेलीपोर्ट इज एयरपोर्ट और
what is the second word here? Helipad. 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 Okay. Now in the same way you have to do 7, 8, 9 and 10. 7, 8, 9, 10 you will do yourself. Okay. Find some other words and note down them in your notebook also. So some words I have already made you do, and 7, 8, 9, 10 you will do it yourself. Now this is a poem. Write a while. Read the poem given below. There was an old man from Peru who dreamed he was eating his shoe. He awoke in the night with a terrible fright and found out that it was quite true. तो उसने एक बार पेरू एक आदमी था, उसने देखा कि वो अपना सपने में देखा कि वो अपना शूज खा रहा है. वो रात में उठा, वो बहुत डरा हुआ था और उसने देखा कि वो सच में ये काम कर रहा है, सच में अपना शू खा रहा है. Now you can see here, beta. Lime Brick is a humorous little poem that contains 5 lines. There the poem that we have read already, that is also a lime brick. Lime brick means it's a kind of humorous little poem. एक humorous poem होती है, मजाक वाली poem होती है, जिसमें सिर्फ 5 lines होती है. In this poem, the last word of the first, second and fifth lines all rhyme with each other. इसमें देखा आपने last words of the first, second and fifth line. मतलब last word किस किस के? First, second और fifth line के अभी एक दूसरे से rhyme कर रहे हैं, मतलब मिलते जुलते हैं. Similarly, the fourth, third and fourth line rhyme with each other. ऐसे ही third और fourth line भी rhyme करती है एक दूसरे से. Can you make a lime brick? Use the words tree, buzz, neck or needle. अब आपको ये word use करके आपको एक lime brick बनानी है इसी तरीके से. तो can you make? If you can make, then you will use these words. Tree, buzz, neck or needle. Okay, you have to use these words in your lime brick. Again, this is a tongue twister for you. Peter, read the following tongue twister as fast as you can. जितने तेज आप बोल सकते हो तेज आपको बोलना है. देखते हैं आपकी टंग आपकी ट्विस्ट करती है या नहीं करती है. If I read this, then my tongue will definitely twist. Let's start. Do also. Peter Piper picked a pack of pickled pepper. Did Peter Piper pack a pack of pickled pepper? Picked a pack of picked paper. Where is the pack of pickled paper? Peter Piper picked. A skunk sat on a stump and I can't read. If you can, then please you must try. With your parents also, ask your parents also to do this tongue twister with your family. Youngers and brother also, but I can't do it. If you can, then it's very good. Now it's a play a while. खेलने के लिए है. Look at the picture of the strange animal. Can you identify the different birds or animals whose characteristic can be seen in this picture? इसमें किस कौन कौन से बेटा characteristic show की गई. So आपको एक another picture बनानी है इसमें, जिसमें कि एनिमल, जैसे इसमें एनिमल में शो किया गया है, ऐसे ही आपको एक दूसरी पिक्चर बनानी है जिसमें क्या क्या आप शो करना है. आपको एनिमल, पर्सन, प्लेस और थिंग, इसको शो करना है. ठीक है. ओनली फॉर यू लेट योर इमेजिनेशन रन वाइल्ड एज यू ड्रॉ द पिक्चर. आपको उसको वाइल्ड ही बनाना है. ठीक है, देखते हैं आप कितना इमेजिनेटिव हो. सो डू दिस. सो टुडेज होमवर्क इज थिंकिंग कैप्स ऑन एज वेल एज वर्ड स्मार्ट. ओके, एंड राइट अ वाइल्ड. दिस इज योर टुडेज होमवर्क. ओके, I am not giving you particular homework. All this work you have to do yourself instead of taking anybody's help. Thank you very much for watching this lecture. Now I will come again with a new lecture of grammar, that is preposition. Okay, till then, take care and bye-bye.